अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय परिवार के अपहरण के बाद अब उनकी हत्या की खबर से हर तरफ हड़कंप मच गया है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी और सिर्फ 8 महीने की बेटी की हत्यारों ने हत्या कर दी, साथ ही उनके एक रिश्तेदार का भी मर्डर कर दिया। 2 दिन पहले इन्हें हथियारों के बल पर किडनैप किया गया था। वहीं अमेरिका के पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्र की हत्या का भी एक मामला सामने आया है। छात्र का नाम वरुण मनीष बताया जा रहा है। रूममेट पर वरुण की हत्या का आरोप है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अमेरिका में भारतीयों की हत्या के ये 2 मामले, जिनको लेकर अब न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तो इस बीच एक और अहम खबर, एक अहम अपडेट आपको दे देते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों की किडनैपिंग से जुड़े इस मामले में जो अपडेट इस वक्त आ रहा है वो ये है कि हत्यारों ने 8 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा। 4 लोगों की किडनैपिंग की, हत्या कर दी उसके बाद। कैलिफोर्निया के मर्सेड काउंटी की ये घटना है। कुछ दिन पहले ही इन लोगों को किडनैप किया गया था, लेकिन अब इनके शव भी एक बगीचे से बरामद हुए हैं। किडनैपर्स ने 8 महीने की बच्ची को भी मार डाला और ये किडनैपिंग के वक्त का सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 दिन पहले किडनैपिंग की और 2 दिन के बाद एक बगीचे में सभी के शव बरामद हुए। 4 भारतीयों का मर्डर किस तरीके से हुआ है, इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय उच्चायोग इस मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय अमेरिका में सुरक्षित नहीं है? यह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे परिवार की हत्या किस तरीके से कर दी गई, जबरदस्त गुस्सा है लोगों में। ये उस परिवार की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, 8 महीने की बच्ची को भी मार दिया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 दिन पहले ही किडनैप किया था इस परिवार के लोगों को। जब किडनैप किया गया था उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज आपको भी हम दिखा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के जिन 4 लोगों का अपहरण हुआ था, अब उनके शव बरामद हुए हैं। इन लोगों के शव एक बाग में बरामद किए गए। इन 4 लोगों में एक बच्ची भी शामिल है। As you're well aware, for the last 3 days we've been working a kidnapping that we had actually seen on a closed circuit TV. Tonight our worst fears have been confirmed. We found the 4 people from the kidnapping and they are in fact deceased. इस पूरे परिवार को बीते 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी किडनैपिंग की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई थीं। मास्क पहने एक संदिग्ध पूरे परिवार को किडनैप करके गाड़ी में ले जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस 48 साल के शख्स को हिरासत में लिया था। परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के पास एक गांव हरसी से ताल्लुक रखता है। परिवार का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। जिस परिवार को अपहरण करके मार दिया गया, उनमें जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर और 8 महीने की बेटी आरूही के साथ और एक रिश्तेदार शामिल है। आ मकान बनाया सी ते बाद च उन्होंने सोच लिया भी पुराना घर दे देने, ओ असी खरीदिया, मतलब बहुत साडे नाल प्यार सी। जिन्ना उन्होंने चंगा कह लो उन्ना ही थोड़ा है। इन्ने बच्चे चंगे सी कि असी इन्हां दे घर आउंदे जांदे सी, बहुत वधिया परिवार सीगा, पर आज जो होया ये नहीं होना चाहिए। परिवार की कार सोमवार देर रात जली हुई हालत में मिली थी। इसके अलावा ये भी पता चला था कि किडनैप किए गए इन लोगों में से किसी एक के एटीएम का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके बाद एटीएम का इस्तेमाल करने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद यीशु मैनुअल सालगाडो ने खुदकुशी करने की कोशिश की। संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही साथ पूछताछ भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो
हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अमेरिका से जो ये खबर आई है, इसने ना सिर्फ अमेरिका में रह रहे भारतीयों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि भारत में भी लोगों में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है। देखिए, अगर हम बात करें इस कॉन्टिनेंट की, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी भारतीय जो शिकार हो रहे हैं, पीछे दिनों भी एक वीडियो आया था जिसमें एक जो लुटेरे ने गोली मार दी थी, हालांकि वो लूट का सामान ले गया था, भारतीय मूल के शख्स ने उसे जाने दिया था, फिर भी उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेट वहाँ चल रहा है भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि मर्सेट काउंटी के हेडवाटर का ये मामला है, सोमवार का ये मामला है, जिसमें जो है भाई जो है अमनदीप जसदीप और उनकी पत्नी जसलीन और बेटी आरोही का कत्ल कर दिया गया। आपको एक चीज बता दूं कि रणधीर और उनकी पत्नी, जो परिवार के मुखिया है रणधीर और उनकी पत्नी कृपाल कौर, वो निकल चुके हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे भारत में, उसके बाद अब वो वहाँ पहुँच गए हैं। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि 48 वर्ष के एक शख्स को जो है वो कैलिफोर्निया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ चल रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ और भी शख्स होंगे। आप देखिए कितनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, बच्ची को भी नहीं बख्शा गया। तो इस तरह की घटनाएँ जो है लगातार बढ़ रही हैं, और इसको लेकर जो है भारत को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इसके साथ साथ और भी कई घटनाएं हुई हैं। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस देखे जहां पर भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया गया है। और अब अगर हम भारत की बात करें, खासकर पंजाब हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों की, यहां के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो वहां पर गए हुए हैं, कुछ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कुछ वहां पर काम करने के लिए गए हैं, कुछ वर्क वीजा पे लोग गए हुए हैं, कुछ वहां सेटल्ड हैं, उनके परिवार यहां पर हैं, उनके अंदर काफी चिंता बनी हुई है। अगर हम बात करें कि अभी भी कई तरह से कॉल्स जो है एम्बेसीज में भी जा रहे हैं, लोग अपने परिवारों को भी वहां पे कॉल कर रहे हैं कि कहीं उनके साथ कोई ऐसा हादसा तो नहीं हो गया। तो काफी दहशत का माहौल है, काफी जो है वो लोग डर में हैं और वो अपने परिवारों को लेके काफी चिंतित है। तो भारत को कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए, और क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी जी अमित, हमने देखा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी इस घटना की निंदा की है, और साथ ही विदेश मंत्री से भी गुजारिश की है कि इस मामले में हिंदुस्तान को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि हेट क्राइम के जो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये हर घर में, जिसके लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, उनकी चिंता को बहुत बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आप पंजाब की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ से वहाँ पर कोई ना कोई परिवार के सदस्य जो हैं वो आपको विदेशों में ही मिलेंगे। लगातार पीछे भी अगर हमने बात की तो कि हेट क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये केवल यूएस नहीं, कहीं भी आप अगर बात करें भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है ये इस तरह के जो क्राइम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनके साथ लूटपाट की जाती है, मारपीट की जाती है, और आप तो कत्ल तक की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। कितने सीसीटीवी अभी सामने कि जो भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ जो है वो पूरी एक ऐसा लगता है कि कोई साजिश रची जा रही है कि इन लोगों को टारगेट बनाया जाए। तो ये एक भारतीयों को टारगेट करने की कोशिश। और इस बीच एक और बड़ी खबर अमेरिका से ही, अमेरिका की पेड्री यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्र की हत्या का भी एक मामला सामने आया है। छात्र का नाम वरुण मनीष बताया जा रहा है, और छात्र के रूममेट पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया गया है। इस आरोपी छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वरुण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 20 साल के वरुण को मार दिया गया, और इसके बाद अब जबरदस्त गुस्सा है लोगों में। अमेरिका की पेड्री यूनिवर्सिटी की यह घटना है जहां भारतीय मूल के छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र का नाम वरुण है, और छात्र के ही रूममेट पर उसकी हत्या का आरोप लगा है। आरोपी की भी तस्वीर देखिए, रूममेट पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए रूममेट को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भारतीय मूल के छात्र की अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में हत्या। तो दोनों रूममेट्स, वरुण जिसकी हत्या की गई और वो रूममेट जिस पर इस हत्या का आरोप लगा है, किस वजह से हत्या की गई, ये क्या पूरा मामला है, लगातार इससे जुड़े अपडेट्स जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे हम आपको देंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।